हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में आज हम लोग पढ़े हैं कक्षा 7 गणित अभ्यास 7D वाणिज्य गणित। ठीक है, इसका पहला सवाल दिया हुआ है कि मोहन ने एक टेलीविजन सेट 10,200 रुपये में खरीदा, दो वर्ष बाद वही 11,730 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितने रुपये, ये उसे है ठीक ना, उसे कितने रुपये लाभ, मतलब कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, इसे ये बताना है प्रतिशत लाभ या हानि। ठीक है ना, तो लिखेंगे टीवी का, ठीक ना, टीवी टेलीविजन मतलब टीवी का क्रय मूल्य, का क्रय मूल्य, मूल्य यहाँ पर हो जाएगा 10,200 रुपये। ठीक है ना, तथा यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य, मतलब टीवी का विक्रय मूल्य, टीवी ठीक ना का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना हो जा रहा है हमारा 11,730 रुपये, 11,730 रुपये। अब देखिए लाभ जब निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, लाभ बराबर क्या होता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जितना में खरीदा है उससे बेचा होगा ज़्यादा में, तभी तो लाभ हुआ होगा। तो इसका मतलब लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर ये सूत्र होता है विक्रय ठीक ना मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ठीक है। विक्रय कितने में किया है, ये 11,730 रुपये में, क्रय कितना किया है वो 10,200 रुपये में। अब घटा लेते हैं तो ये घट करके निकल करके आ जाएगा 0 और यहाँ पर जाएगा 3 और यहाँ पर जाएगा 7 में से 2 गया 5 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1, मतलब 1530 रुपये में उसने क्या किया है कि वो लाभ लेकर बेचा है, उसको 1530 रुपये का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब लाभ प्रतिशत निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर प्रतिशत का बराबर, मतलब लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है आपका कि लाभ ठीक ना गुणे यहाँ पर जाएगा लाभ गुणे 100 बटे में यहाँ पे क्रय मूल्य, क्या हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य। ठीक है, याद रखेंगे क्रय मूल्य जो होता है लाभ गुणे यहाँ पे 100 बटे में क्रय मूल्य के बराबर होता है। लाभ कितना हुआ 1530 रुपये का, 1530 रुपये का 100 और गुणे क्रय मूल्य कितना था, खरीदा कितना था 10, मतलब 10,200 में, और ये 0 0, ये 0 और ये 0 से कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1530 है, आपको ये 15 बार अगर ले जाते हैं तो ये कट जाएगा, तो ये 15 बार में कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 15 पूरा टोटल। ठीक है, तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 15%, मतलब लाभ प्रतिशत बराबर लाभ यहाँ पर हो जाएगा प्रतिशत बराबर 15। ठीक है ना, आंसर लिख दीजिएगा इस तरीके से, ये ठीक है, यही इसका आंसर होगा। अब चलते हैं हम इसके दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है, एक व्यापारी ने 10 बैल 30 लाख ठीक ना सॉरी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3 लाख रुपए में खरीदा, 3 लाख है ये, 3 लाख रुपए में खरीदा और उसे 24,000 प्रति बैल के हिसाब से बेचा। ठीक है, समझिएगा 10 बैल है उसकी कीमत 3 लाख रुपए होती है और एक बैल को 24,000 में बेचता के हिसाब से बेचता है, उसे प्रति बैल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ, प्रति बैल निकालना है आपको। तो यहाँ भी लिखेंगे 10 ठीक ना बैलों की, ठीक ना बैल का यहाँ पर मूल्य, 10 बैल का मूल्य बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3 लाख, 3 लाख 10 बैलों का मूल्य 3 लाख रुपए। ठीक है, तो एक बैल का यहाँ पे क्रय मूल्य, ठीक ना ये क्रय मूल्य लिख लीजिएगा, का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ये खरीदा हुआ मूल्य 3 लाख रुपए 10 बैलों का, तो एक बैल का क्रय मूल्य बराबर यहाँ पर लिखेंगे एक बैल का, एक यहाँ पर हो जाएगा बैल का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य देखिए 10 का मूल्य इतना है, मतलब एक का निकालेंगे तो भाग दे देंगे, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 3 लाख, यहाँ पर हो जाएगा 3 लाख बट्टे में हो जाएगा 10, 100 कट जाएगा, मतलब 30,000 आपका निकल करके आ जाएगा, मतलब वो एक बैल को 30,000 रुपये में खरीदा था, क्रय किया था। अब विक्रय मूल्य लिखेंगे तो विक्रय मूल्य बराबर यहाँ पर लिख देंगे विक्रय मूल्य बराबर विक्रय, प्रति का बोला है एक का बताना है ना, प्रतिशत बताना है को उसे प्रतिशत कितना लाभ या हानि हुआ प्रति बैल के हिसाब से बेचा, तो यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, मूल्य बराबर कितना हमारा प्रति बैल का, एक बैल का विक्रय मूल्य, एक बैल लिख दीजिएगा, एक बैल का, एक बैल का विक्रय मूल्य, एक बैल का विक्रय मूल्य 24,000 है, 24,000 है ठीक है, एक बैल का विक्रय मूल्य 24,000, मतलब कि विक्रय कर रहा है 24 में और खरीद रहा है 30 में, मतलब उसको हानि हो जा रहा है, मतलब यहाँ पर लिखेंगे हानि बराबर यहाँ पर हो जाएगा क्या चाहिए हमारा, हानि बराबर क्रय मूल्य ठीक ना, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य
ठीक है, हानि बराबर, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 30,000 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 24,000 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6,000 रुपये। उसको जो हानि हुआ वो हो गया हमारा 6,000 रुपये का, ठीक है ना। तो अब लिखें हम लोग प्रतिशत हानि बराबर, यहाँ पर हो जाएगा प्रतिशत, ठीक है ना, प्रतिशत हानि बराबर यहाँ पर हो जाएगा हानि, ठीक है ना, गुणे 100 और बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब देखिए क्रय मूल्य है तो हानि बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6,000 गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य कितना हमारा है 24। क्रय मूल्य खरीदा कितने में 30,000 में, सॉरी 30,000 है तो 30,000 लिख लेंगे आप लोग, 1020 1020 1212 और 3 से कटाएंगे दो बार में कट जाएगा, मतलब निकल के आ जाएगा आपका 20%, मतलब प्रतिशत हानि होती उसे 20% की, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल दिया हुआ है कि एक फर्नीचर विक्रेता एक अलमारी, ठीक ना, 5,000 रुपये में खरीदता है और 14 से 1/2% के लाभ लेकर, ठीक ना, लाभ लेकर के राकेश को बेच देता है, राकेश उस अलमारी को कितने रुपए में खरीदा, ये आपको बताना है कि राकेश ने उसे कितने रुपए में खरीदा। तो यहाँ पे लिखेंगे अलमारी का क्रय मूल्य, ठीक ना, अलमारी का क्रय मूल्य, ठीक है, अलमारी मारी का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यहाँ पे दिया हमारा 5,000 रुपये, ठीक है, 5,000 रुपये है अलमारी का क्रय मूल्य, 5,000 रुपये हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि लाभ होता है हमारा लाभ बराबर अब देखिए लाभ इसी पर हो रहा है क्रय मूल्य पर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5,000 रुपये पर जो लाभ हो रहा है वो ध्यान देंगे तो वो कितने में आ जा रहा है वो देखेंगे, 5,000 प्लस इस रुपए पर लाभ हो रहा है 5,000 का, यहाँ पे कितना प्रतिशत 14 से 1/2% मतलब 14 × 2 = 28 मतलब 29/2 यहाँ पे हो जाएगा 2 और प्रतिशत हटा देंगे तो 100 यहाँ पे गुणा कर लेंगे मतलब 200 हो जाएगा, और ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट कर लेगा, ये 2 से कटा लेंगे तो 25 बार में ये कट जाएगा, और 25 में 29 का गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5,000 और प्लस 25 में 9 का गुणा करेंगे, 25 × 9 = 225 को 5 हासिल, 22 25 × 50 और 22 = 72 तो ये हो जाएगा हमारा कितना 725। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5,725 रुपये, मतलब ये इसको लाभ जो हो रहा है वो 700 रुपये का लाभ हो रहा है, और उसने बेचा कितने में, तो 5,725 रुपये में, लाभ कितने का निकल के आ रहा है 725 रुपये का। तो ये 725 से अलग से भी निकाल सकते थे, निकाल के इसमें जोड़ना पड़ता है इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे जोड़ दिए, ठीक है ना। अब लाभ निकाले हैं या बेचे यहाँ पे लिख देंगे उसको विक्रय मूल्य या कितने में बेचा, ये विक्रय मूल्य लिख दीजिएगा, लाभ मत लिखिएगा, विक्रय मूल्य लिखिएगा, विक्रय, ठीक ना, मूल्य, विक्रय मूल्य ये रहेगा, ध्यान से रखिएगा इसको विक्रय मूल्य लिख दीजिएगा, विक्रय मूल्य इतना रुपया हो जाएगा। अगर लाभ पूछेगा तो लाभ कितना हो जाएगा हमारा, ये 725 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर निकल करके आ जाएगा ये तीसरे सवाल का। अब हम लोग आते हैं इसके चौथे सवाल पर। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक व्यापारी ने 15 क्विंटल गेहूँ 980 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा, उसने खरीदा इतने रुपए में, तो हम लोग लिखेंगे कि एक क्विंटल का, चूंकि यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एक क्विंटल, ठीक ना, क्विंटल का, एक क्विंटल गेहूँ का लिखिएगा, गेहूँ का, ठीक ना, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हमारा है 980 रुपये है, 980 रुपये है, ठीक है ना। अब देखिए 15 क्विंटल का निकालेंगे, इसलिए इस प्रकार से निकालेंगे, इसलिए 15 क्विंटल का, ठीक ना, क्विंटल का क्रय मूल्य, 15 क्विंटल का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 15 क्विंटल का क्रय मूल्य 15 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 980, और दोनों का अगर गुणा करके निकालते हैं तो 15 में 0 गुणा 15 × 120 12 15 × 9 135 और 12 जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 147, मतलब ये हो जाएगा 14,700 रुपये, ये आ जाएगा उसका क्रय मूल्य, ठीक है। लेकिन उसने बोला है कि 15 क्विंटल तो खरीदा है लेकिन हानि उसे 5% का हुआ, मतलब कि उसको 5% की हानि हो गई, किसके कारण, गेहूं में घुन लग जाने के कारण, घुन देखे होंगे आप लोग, ठीक है ना, घुन देखे होंगे, गांव में रहते होंगे तो जानते होंगे घुन कैसे लगते हैं, या फिर शहर में भी रहते होंगे अगर गेहूं देखे होंगे तो आप लोग देखते होंगे घुन जो होता है गेहूं को खा लेता है अंदर से ही और उसमें रहता भी है, ठीक ना। तो ये क्या हो जाता है, घुन लग जाने के कारण से 5% की हानि पर बेचना पड़ जाता है, तो हानि बराबर यहाँ पर लिखेंगे हानि
बराबर यहाँ पे हो जाएगा 14,700 रुपये का 5% हानि हो जाता है, 5% प्रतिशत हटाएंगे अगर आगे में तो हम लोगों का 14,700 और प्रतिशत हटाने का मतलब 100 से भाग, मतलब 1020 1020 और 5 से गुणा कर लेंगे, 5 से 35, 5 चौके 20 23 और 5 एक 5 2 7, मतलब 735 रुपये का उसको क्या हो गया, हानि हो गया। अब समझ में आ गया। अब देखिए उससे 735 रुपये का हानि हो गया, इसका मतलब गेहूं का जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, तो गेहूं का विक्रय मूल्य बराबर यहाँ पे लिखेंगे गेहूं का ठीक ना, का विक्रय मूल्य बराबर यहाँ पे कितना हो सकता है, क्रय मूल्य, ठीक ना, क्रय मूल्य और यहाँ पे माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि, खरीदा था 14,700 रुपये में और बेच रहा है 735 रुपये में, इसको इधर से घटा देंगे मतलब 13,000, यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना 965 रुपये, ठीक है ना, घटा के देखिए 13,000 यहाँ से घटेगा 700 मतलब 735 और घट जाएगा तो 935 मतलब कि 965 मतलब 13,965 रुपये में उसने उसको क्या किया, बेच दिया। इसी प्रकार से अगर आपको लग रहा होगा तो तीसरा सवाल भी इसी ढंग से होगा, मैं डायरेक्ट कर दिया था उसको, मैं सोचा चौथे सवाल में बता देता विस्तार में, तो उसको आप लोग तीसरे सवाल को निकालते हैं हम लोग। पांचवा सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक कलम को 21 रुपये में बेचने पर 5% का उसको लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य बताना है, तो मान लेंगे कि माना, ठीक ना, माना उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, x रुपये है। अब समझिएगा बात को कि x रुपये में कोई चीज़ खरीदते हैं सपोज दैट, और उस पर क्या करते हैं प्लस x रुपये में 5% का लाभ होता है, मतलब 5% का ये लाभ हुआ और 5% का लाभ होता है तो वो बन जाता है 21 रुपये। समझ में आ गया, वो कितने बन जाता है 21 रुपये। बट सिंपल सा सवाल है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं बनाएंगे इसको, बहुत डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सा इसको बनाएंगे। एक्स रुपये का खरीदा है और एक्स रुपये पर एक्स का 5% लाभ हुआ, मतलब एक्स जो है वो तो है ही, उस पर 5% का लाभ हुआ, मतलब एक्स का 5% लाभ हुआ। आप चाहें तो डायरेक्टली एक बार प्रतिशत लाभ दिखा के भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इतना हो गया, 21 रुपये हो जाता है, तो वो मूल्य बताना है, तो यक्स प्लस यहाँ पर जाएगा एक्स गुणे, ये 5 को अगर बटे में करेंगे तो 5 से परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में हो जाएगा 100 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा हमारा 21। बात समझ में आ गया। अब देखिए ये 5 से कटाएंगे तो ये कट जाएगा, 5 से कटाएंगे तो 5 से 5 गुना 10 मतलब 21 हो जाएगा। अब देखिए ये 21 में इसका गुणा करेंगे, क्योंकि ये बिना गुणा किए इधर तिरिय गुणा नहीं कर सकते क्योंकि बीच में प्लस है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब 20 में इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20x और प्लस यक्स, और यहाँ पे बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 20 बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 21। अब इसको साइड में कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 20 और 1 21 यक्स बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 21 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 20। अब ये 21 का गुणा उधर जाकर भाग हो जाएगा, मतलब 21 बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा, सॉरी यक्स बराबर यहाँ पे 21 गुणे यहाँ पर हो जाएगा हमारा 20 बट्टे में हो जाएगा हमारा 21, और 21 से इसकी कटा देंगे मतलब निकल के आ जाएगा यहाँ पे 20 रुपये। अब देखिए उसका जो मूल्य था क्रय मूल्य, हमने माना भी था क्रय मूल्य एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई 20, मतलब जो उसका क्रय मूल्य था वो 20 रुपये था। कितना सिंपल सा सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा समझिएगा हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हम लोग इसके अगले सवाल, छठे सवाल पर। श्याम ने अपने ट्रांजिस्टर के सेट खराब होने के कारण, ठीक ना, 1280 रुपये में 20% की हानि पर बेच दिया। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि जो 1280 रुपये में बेचा है उसके बावजूद भी उसको 20% की हानि हुई है इसमें, ठीक है ना, तो उसका बताना है क्रय मूल्य। तो फिर से वही सिंपल वाला फंडा लगाएंगे, माना, ठीक ना, माना श्याम के ट्रांजिस्टर का या फिर ट्रांजिस्टर का मूल्य बराबर या फिर क्रय मूल्य बराबर, माना क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य यक्स रुपये, ठीक है ना। अब एक्स रुपये की वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है, मतलब एक्स रुपये की है माइनस कर दिया उसमें से कितना रुपया, मतलब यक्सी का 20% हानि का माइनस कर दिया 20%, और कितने रुपये में बेच दिया 20% माइनस हानि करने के बाद 1280 रुपये में उसने उसको बेच दिया। सिंपल सा, कितना बढ़िया सा सिक्वेंस लगा रहे हैं हम लोग, इतने रुपये में बेच दिया। अब ये प्रतिशत है हटाएंगे, नीचे में 100 हो जाएगा, यक्स माइनस यक्स गुणे यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा, ये हो जाएगा 20 बटे में हो जाएगा हमारा 100,
डिस्कल टू 1200 हो जाएगा हमारा 80, ये 0, 20 से कटाएंगे, 20 से कम 20, 20 बचे 100, मतलब ये निकल के आ जाएगा x माइनस x बटे में हो जाएगा 5 और बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1280 रुपये। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 5 का डायरेक्टली करेंगे तो 5 x माइनस x बटे में हो जाएगा हमारा 5 और गुणे यहाँ पे हो जाएगा 1280 रुपये। अब देखिएगा इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4x, मतलब 4x बराबर ये गुणा में उधर जाके गुणा हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1280 गुणे यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5, ये गुणा उधर जाके भाग हो जाएगा, मतलब x बराबर 1280 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 5 बटे में हो जाएगा हमारा 4, 4 से इसको कटा लेंगे मतलब x बराबर हो जाएगा 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 0 गुणे यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5, मतलब x बराबर हो जाएगा 0 और 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15 = 16, मतलब उसका जो क्रय मूल्य था वो हो जाएगा 1600 रुपये। कितना सिंपल सा सवाल है, इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे हम लोग, इसी तरीके से इसका आंसर निकाल लेंगे। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल, सातवें सवाल पे, और देखते हैं कि सातवां सवाल कि एक दूध वाले ने अपने 2 गायों को 20,000 रुपये प्रति गाय के हिसाब से बेचा, मतलब एक को 20,000 में बेचता है, तो एक को जब बेचता है तो उसको एक पर 5% का लाभ होता है, दूसरे पर 10% का हानि होता है, बस बेचने का मूल्य दिया है, क्रय मूल्य नहीं दिया। हम लोग क्रय मूल्य निकाल लेंगे आसानी से, जैसे हम लोग सवाल लगाते आए हैं वैसे निकाल लेंगे। यहां पे लिखेंगे हम लोग कि प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य बराबर, यहां पे लिखेंगे प्रत्येक विक्रय मूल्य, सॉरी प्रत्येक गाय का विक्रय मूल्य बराबर, प्रत्येक गाय का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यहां पे कितना है 20,000 रुपए, 20,000 रुपए। तो जब प्रत्येक गाय का मूल्य विक्रय मूल्य अगर 20,000 रुपए है, मतलब दोनों गायों का विक्रय मूल्य बराबर, या कुल विक्रय मूल्य लिख सकते हैं, कुल विक्रय मूल्य बराबर, ठीक है ना, विक्रय मूल्य बराबर, मूल्य कितना हो जाएगा हमारा 20,000 और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 2, मतलब कुल मिलाकर के 40,000 हो जाएगा इसका मूल्य, ठीक है, ये 40,000 उसका मूल्य हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली इस बात का है कि एक को उसने 20,000 में बेचता है, दूसरे को भी उसने 20,000 में बेचता है, दोनों मिला के 40,000 रुपये में उसने बेच दिया, ठीक है, लेकिन जो पहली गाय को बेचता है 20,000 में, तो उसे 5% का लाभ होता है, तो मान लेंगे पहली का क्रय मूल्य, माना अब देखिएगा, माना पहली का क्रय मूल्य अब देखिए यक्ष है, यक्ष रुपये है, अब यक्ष रुपये की गाय है, ठीक है ना, उस पर यक्ष रुपये पर ही प्लस, यक्ष रुपये प्लस इसलिए क्योंकि 5% का लाभ हो रहा है, इसलिए प्लस 5% का लाभ होता है, तो वो 20,000 रुपये में बेच देता है उसको, बात समझ में आ गया, ये 20,000 रुपये में बेच देता है, इसका मतलब ये 5 से कटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 और 20 में इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 20 / 21, मतलब 21x बटे में हो जाएगा हमारा 20 और बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 20,000 रुपये, मतलब इसका गुणा इसमें कर देंगे और 21 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, मतलब यक्ष बराबर यहाँ पर हो जाएगा 20,000 और गुणे यहाँ पर हो जाएगा हमारा 20 बटे में हो जाएगा हमारा 21, ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जब भाग देंगे आप, जब इसमें भाग लगाएंगे इन दोनों को गुणा कर लेते हैं तो यक्ष बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 20 × 40 और यहाँ पर 4 जीरो है तो 4 जीरो लगा दीजिए, 1, 2, 3 और ये 4, मतलब 400,000 और बटे में 21 है तो 21 कर दीजिए। अब 21 से हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग कटाएंगे, जब 21 से इसको कटाएंगे तो आपका निकल करके जो आएगा वो हो जाएगा 19.0, अब भाग दे के देख लीजिएगा, हम साइड में कहीं भाग दे देते लेकिन आप लोग देख लीजिएगा भाग दे करके 19.0 और 47.61, ठीक है ना, 61 या 62 कर सकते हैं, इसको 62 कर लीजिएगा, ठीक है ना, यह हो जाएगा हमारा 62, ठीक है, मतलब कि 6 यहाँ पर हो जाएगा 19,047.62 रुपया में उसने खरीदा था और उसको 20,000 रुपये में बेचा, मतलब इतने रुपये में खरीदा था, इतने रुपये में बेचा, 20,000 में बेचा, इसीलिए उसको 5% का लाभ हुआ ना, आप समझ में आ गया। अब देखिए अब दूसरी गाय के लिए निकालेंगे, यहाँ तो हो गया पहली गाय का क्रय मूल्य निकल करके आ गया, अब दूसरी गाय का तो मान लेंगे, माना दूसरी का क्या हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यहाँ पर हो जाएगा हमारा x है,
ठीक है ना। अच्छा वाई मान लीजिए, वाई है, वाई मान लीजिए अच्छा रहेगा। अब देखिए वाई रुपया है मतलब वाई रुपये की गाय थी और उसको हानि पर 10% की हानि मतलब माइनस लगाएंगे वाई पर ही उसको 10% का हानि हुआ बट्टे में 100, फिर भी उसने 20,000 रुपये में उसको क्या किया बेच दिया, क्योंकि दोनों को 20,000 में बेचता है, इसका 20,000 यहाँ पर भी 20,000 यहाँ पर भी बेच दिया, ठीक है ना, हानि पर भी बेचा फिर भी 20,000 में बेच दिया उसने। अब देखिए इसको गाय को तब खरीदा कितने में था, तो यहाँ पर जाएगा वाई माइनस इसको 10 से कटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वाई बटे में हो जाएगा हमारा 10 बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 20,000। अब देखिए इसको गुणा करेंगे 10, 10 में से एक चला जाएगा तो 9 मतलब 9 ये वाई और बटे में हो जाएगा हमारा 10 बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 20,000। अब ये 10 का गुणा हो जाएगा मतलब वाई बराबर यहाँ पर हो जाएगा 20 का मतलब कि 200,000, ठीक है ना, 200,000 बटे में हो जाएगा हमारा 9। जब इसको हम लोग कटा देंगे अगर 9 से, तो जब हम लोग 9 से इसको कटाते हैं तो आपका निकल के आएगा 9 × 2 = 18, फिर 2 बच जाएगा हमारा 9 × 2 = 18, फिर 2 बच जाएगा 9 × 2 = 18 मतलब लगभग 22,202 रुपये आएगा, ठीक है। आप भाग देके देखिएगा डायरेक्टली भी कर सकते हैं, भाग आ जाएगा, मतलब ये भी उसका क्रय मूल्य है पहली गाय का और ये दूसरी गाय का क्रय मूल्य है, मतलब ये पहली गाय का क्रय मूल्य, ये दूसरी गाय का क्रय मूल्य, मतलब कुल क्रय मूल्य यहाँ पे लिखेंगे, कुल क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर, मूल्य बराबर यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा पहला 19,047.6 और यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर जाएगा 22,222.2 यहाँ पे 2 रुपये, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ने के बाद आपका निकल करके आ जाएगा हमारा 19,221 मतलब 21,000, दोनों को जोड़ दे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 41,000, यहाँ पर हो जाएगा 259.224 और यहाँ पर हो जाएगा 2468, इतना हो रुपया हो जाएगा इतने रुपये में। अब देखिए उसने खरीदा था 41,000, ठीक ना, 259.84 रुपया में, बेच दिया दोनों को उसने 40,000 में, तो उसको क्या हो गया, हानि हो गया ना, तो कुल हानि बराबर यहाँ पर लिखेंगे, कुल हानि बराबर, हानि बराबर यहाँ पर हो जाएगा विक्रय, क्रय मूल्य, हानि में क्या होता है क्रय आगे होता है तो क्रय में से हम लोग विक्रय को घटाते हैं तो क्रय माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारा विक्रय, ठीक है ना। क्रय कितने का था उसने 41,259 माइनस 484 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 40,000 = 40,000 = यहाँ पे निकल के आ जाएगा 1,259.84 रुपये, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये उसका क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सातवां सवाल हुआ खत्म, ठीक है। यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना।